अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि एक मैसेज दे दूँ लाइसेंस के बारे में। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं रिप्लाई नहीं कर सकता सबको। यूट्यूब वीडियोस में भी ये बात नहीं कही गई थी, इसलिए बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे और इनबॉक्स भी कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि DHA हो या हाथ हो या MOH हो, ये सारे जो है ना डिफरेंट स्टेट्स हैं UAE की, उसके लिए वैलिड होता है। लाइसेंस जो है आप ले ही नहीं सकते, लाइसेंस के लिए एम्प्लॉयर का होना ज़रूरी है। लेकिन आप क्या ले सकते हैं, आप एलिजिबिलिटी लेटर ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी लेटर के लिए दो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपने एग्ज़ाम पास करना होता है, सेकंडली डॉक्यूमेंट्स अपनी वेरिफिकेशन करनी होती है, जिसके बाद आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है। उसके बाद आप एम्प्लॉयर सर्च करते हैं, एम्प्लॉयर आपको मिलता है, एम्प्लॉयर ही आपका लाइसेंस एक्टिवेट कराता है। तो जब तक आपके पास लाइसेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि पहले रिक्वायरमेंट पूरी करें, देन अप्लाई करें। अगर आप इसके बगैर अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना तो नहीं, लेकिन एम्प्लॉयर का, रिक्रूटर का टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, और उन लोगों का जिन लोगों को ऑन टाइम जो है जॉब मिलनी चाहिए, उनका थोड़ा प्रोसेस डिले हो जाता है। थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप दैट कि ये मैसेज आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा।